भारत में सनातन धर्म पर विवादों के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के एक शहर में सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। कौन है वो शहर और किस तारीख को मनाया जाएगा सनातन धर्म दिवस, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब भारत में सनातन धर्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये बहस तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य मंत्री उदय निधि के सनातन धर्म पर दिए उस बयान के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की। भारत में इन विवादों के बीच अमेरिका के एक शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। ये घोषणा अमेरिका में पोटुकी के लुइसविले शहर में की गई, जहां से मेयर ने ये अहम ऐलान किया। लुइसविले में पोटुकी के हिंदू मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम उत्सव के दौरान आधिकारिक घोषणा की गई और इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु चिदानंद सरस्वती परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश के अध्यक्ष श्री श्री रविशंकर और भगवती सरस्वती के साथ साथ कई अन्य आध्यात्मिक नेता और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि उदय निधि स्टालिन ने शनिवार को तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। उनकी टिप्पणी पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बीजेपी ने कांग्रेस पर उनकी टिप्पणियों की निंदा करने पर जोर दिया। प्रियांक खड़गे ने स्टालिन की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता और ये सुनिश्चित नहीं करता कि आपके पास एक इंसान होने की गरिमा है, वो मेरे अनुसार धर्म नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।